YouTube channel. Hi Uza, hi Hori. Oh, फिर से वही शेड. Okay, so आज का जो सीन है व्लॉग का वो ये है कि मैं आई हूँ शॉपिंग पर. शॉपिंग पर मैं एक खास इंसान के लिए आई हूँ. समझ रहे हो? खास इंसान ही है वो. अब वो कौन है उसके बारे में आप लोगों को व्लॉग में ही पता चल जाएगा आगे जाके. लेकिन अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेली शॉपिंग कैसे करूंगी. बट ये मेरे लिए खुद के लिए भी टास्क है कि मुझे अच्छी सी शॉपिंग करनी है. अच्छा, अच्छे से गिफ्ट्स लेने हैं. और मैं क्या क्या लेती हूँ वो मैं आप सबके साथ मिलकर ऑब्वियसली लूंगी. ये लोग हैं मेरे पास मेरे साथ. तो चलिए चलते हैं. बहुत ट्रैफिक है यार. ओ गॉड, तो ये ट्रैफिक नहीं दे रहा, एक घंटा हो गया. हम यहाँ पहुँच गए हैं नॉर्क एंड सिल्वर और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी रिंग्स हैं और ये सारी चांदी की होती हैं. तो मैं यहाँ पर कोई अच्छी सी प्यारी सी रिंग सेलेक्ट करूँगी जो मुझे पसंद आ जाए और घर में भी पसंद आ जाए. तो मैं उसी की सर्चिंग में आप लोगों को दिखाती हूँ. ये देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी सी रिंग्स हैं यहाँ पर. वेरी नाइस. Hours later. एक और गिफ्ट हमें लेना है तो उसके लिए भी हम ड्रेसेस देख रहे हैं कि क्या लिया जाए. कोई यूनिक सा कलर मिल जाए अच्छा सा जो हम ले लें. 2000 years later. बहुत ही प्यारा सा ड्रेस हमें मिल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नसीब का ही रखा होता कि मैं इसको लेके जाऊँ क्योंकि लास्ट पीस था और कलर बहुत प्यारा है. वो ड्रेस कैसा दिखता है कैसा नहीं वो जब मैं दूंगी गिफ्ट तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी नहीं दिखा रही क्योंकि वह आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है. सो या बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पसंद आया है. इस कलर का नाम क्या है वैसे? पैराग्रीन. सो अभी मैं आई हुई हूँ काशीज को इसलिए क्योंकि मैंने कैटिंग करवाया था तो फिर वॉश होना था तो वॉश के लिए मैं यहाँ काशीज आई थी. अभी मैं करवाऊँगी कटिंग क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए. मैंने 2 महीने से कटिंग नहीं करवाई, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो इसलिए मैं कटिंग करवाने आई हूँ. और मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि जब भी आप लोग को हेयर फॉल हो तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप कटिंग नहीं करवा सकते. और ये क्यूट सी फैन इसको ब्लॉग में आ रहे थे तभी यहाँ पर खड़ी हो गई है ना. कटिंग आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही कटिंग हुई है. अब आप लोग मुझे बताओ कि बाल छोटे तो नहीं हो गए? मुझे ऐसे छोटे लग तो रहे हैं लेकिन मसला ये था कि बाल इतने डैमेज हो रहे थे. तो अगर लेंथ इतनी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूके मतलब बिग डील. लेकिन अब आप लोग बताएं कि आप लोग को कटिंग पसंद आई है मेरी क्या नहीं. और इतना शोर हो रहा था पहले. 2000 years later. सो हेयर आई एम. मेकअप मेरा हो चुका है, ड्रेस चेंज करना रह गया है. ड्रेस मैं जब तक चेंज करूंगी तब तक मैं आप लोगों को खाने की डिशेस दिखा दूंगी, खाने में क्या प्रिपरेशंस वगैरह मैंने की हैं और फिर मैं फाइनल रिजल्ट भी दिखा दूंगी. तो जल्दी से चेंज करके आती हूं जब तक आप लोग देखिए. सो गाइस, हियर इज माय आउटफिट. मैंने ग्रीन ग्रीन सा ड्रेस पहना हुआ है. सारी डेकोरेशन मैंने मम्मा के लिए करवाई है. अब बता ही देती हूँ आप लोग की सोच में पता नहीं किसकी बर्थडे है. मम्मा की बर्थडे आती 16. सोचा कि पहले बर्थडे बनाते क्योंकि आगे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा. तो ये डेकोरेशन बहुत प्यारा सा हो गया है. तकरीब करा दो ने डेकोरेशन किया है. सो थैंक यू सो मच. और जल्दी से भैया खाने की असेंबलिंग करते हैं और चलते हैं. मेरी सांस बहुत फूल रही है. हाय एवरीबॉडी, हाय हाय हाय. व्हाट अ लवली डेकोरेशन, ओह माय गॉड, इट्स एडोरेबल. मानिए कैसी डेकोरेशन? सो गाइस, मजे की बात ये कि जो हमने सरप्राइज प्लान किया ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया था. वो इसलिए क्योंकि मम्मा को ज्यादा अपने रिलेटिव्स की तरह बाबा मामा चले गए थे. हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया, जल्दी जल्दी डेकोरेशन हुई, जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. अब मम्मा को हम ऊपर से नीचे बुलाएंगे और फिर मम्मा को सरप्राइज देंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा सरप्राइज. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. थैंक यू.
नहीं नहीं शामिल थे इसमें। खाना वगैरह हमने निकाल दिया और खाने में हमारे पास है बारबेक्यू फ्लैटर, पोटैटो स्किन्स, स्पेगेटी एंड डायनामाइट चिकन। मम्मा ये आपको लग रहा है रेस्टोरेंट का खाना है ना? ऐसी लग रहा है, लेकिन आपकी बेटी ने किया है, बनाया है। मेरे खातिर इतनी यम्मी यम्मी चीजें बनाई है। फिर मैंने बोला मम्मा कि चलो कर लेते हैं, फिर मैं होंगी या नहीं होंगी। जब मुझे इतनी जल्दी सरप्राइज मिल गया ना मुझे तो वो मुझे बहुत खुशी हुई, वरना मैं यही सोच रही थी यार मेरी बर्थडे आने वाली है और हम पता नहीं होंगे नहीं होंगे, मैं कैसे मनाऊंगी, मम्मा उदास ना हो अपने स्पेशल डे वाले। इसलिए हमने सोचा कि पहले से ना इसको स्पेशल से स्पेशल से स्पेशल डे बनाते मम्मा। और so आज तो बहुत थैंक यू सो मच, आज मेरा दिन बहुत ही खास बन गया भाई। अच्छा मम्मा ये तो बता दे आप कितने साल की हो गई? मैं कितने साल की हो गई? मैं तकरीबन 40 की तो हो गई। 40 की हो गई है मम्मा और भैया खाना ले लें। बहुत प्यारी डेकोरेशन लग रही है वैसे यार, सारी मेरी मेहनत है। बहुत प्यारी डेकोरेशन है, बहुत 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 ज्यादा। सो वी आर डन विद द फूड और अब हम करेंगे केक कटिंग, आई मीन कप केक कटिंग सॉरी। Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. पकड़ो पार्टी पर रह गया। हैप्पी बर्थडे माही के कटवाते हुए अलग से। हैप्पी बर्थडे टू डियर मॉम, मानी बोलो। बर्थडे टू मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग यो क्लैपिंग। ये देखो क्लैपिंग देखो इनकी। छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और ये स्पेशली मामा के लिए सरप्राइज था, एक तो आगे का एक और सरप्राइज जो मेरे फैंस के लिए है वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगी आप लोग को जल्द, लेकिन ये वाला सरप्राइज मामा के लिए था। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जल्दी से जाकर लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ, न्यू गुड न्यूज के साथ आपकी रबिया काशिफ खान आपके पास आती रहेंगी। सो आप लोग को बहुत सारा सपोर्ट करते रहने जिस तरह से आप लोग हमेशा करते हैं, और फिर मजा आ जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।